मुझे लग रहा है इन्हीं की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। और कीड़े देखे दोस्तों, ये देखे कितना कीड़ा पैदा हो रहा है। इसने भी ग्यूना फूल की तरह देखें दोस्तों, को बड़ी बाइट ले लिया और इसको ये फंसी हुई है। देखें ये कितना ज़्यादा तंग हो रहा है हमारा चिक्स, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। मैं निकालता हूँ इसको, क्या फंसा हुआ है इसके गले में, ये देखें आप, इसे सांस नहीं लिया जा रहा, ये देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो दोस्तों इन सबको दाना पानी डाला है, तो जो ये हमारा गज्जा चिक्स है जो सा मेरा फेवरेट है, इसने गले में ये देखें कुछ फंसाया हुआ है जो इसे सांस नहीं लिया जा रहा। इसको पकड़ के देखते हैं क्या फंसा हुआ है इसके गले में जो इसे सांस नहीं लिया जा रहा। क्या है भाई, तो कितना माशाल्लाह तूने अपना पेट फुल किया हुआ है, तेरे सांस क्या आएगा, क्या फंसा हुआ है? और नज़र भी नहीं आ रहा कि क्या फंसा हुआ है इसके गले में, क्या फंसाया अभी तुमने? ठीक है, हैं इसके गले के अंदर क्या है? इसके गले में कोई चीज़ इसने जो निकली उससे निकली। हाँ मैं इसकी गले देख तो दबा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं दोस्तों, वो नीचे चली गई, छोड़ के देखते हैं इसको। लेकिन अब ठीक है माशाल्लाह दोस्तों। दोन सा हमारा ये ट्विंकल है, इसके लिए भी हम फीमेल लेके आते हैं, ये अकेला है। आप भी जाओगी ट्विंकल के लिए? दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी फीमेल हमें मार्केट से मिलती है तो हम लाजमी लेके आएंगे दोस्तों। जी मैं भी जाऊँ। आपने भी जाना है? मार्केट दूर बहुत है, आप क्या करोगे जाके? तो आप मार्केट जाएंगे दोस्तों ट्विंकल के लिए, उसकी फीमेल लेके आएंगे, उसकी पार्टनर लेके आएंगे, तो आपने दुआ करनी है कि वो मिल जाए हमें। अंडा तो नहीं देने लगी दोस्तों हमारी ये वाली, तुम फीमेल हो या मेल हो मुझे समझ नहीं लगती दोस्तों, दिया तो नहीं हुआ तुमने अंडा, नहीं बैठी हुई थी दोस्तों इसके अंदर। ये हमारे ओए इनको क्या हुआ है, ये देखिए आप, ओए होए होए दोस्तों हमारे जो ये बच्चे हैं इनके देख कितने जख्म हुए हुए हैं, ओए होए होए। ये देखो ओए होए होए दोस्तों, ये मच्छर लड़े हुए हैं इनके, ये बीठे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैं सफाई करता हूँ और इनके लहसुन वगैरह लगाता हूँ, तो मैं दोस्तों ये जो बीठे वगैरह हैं ये सारी साफ़ करता हूँ, वो मच्छर इनकी वजह से पैदा होता है। ये काफ़ी दिन हो गए मैं ये साफ़ नहीं की, मुझे लग रहा है इन्हीं की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं। और कीड़े देखे दोस्तों, ये देखे कितना कीड़ा पैदा हो रहा है, मुझे तो भूल ही गया था दोस्तों कि इनकी सफाई भी कर रहे हैं। इसको बाहर निकाल, बाहर लेके जाते हैं दोस्तों, ओए होए होए ये तो आज मच्छर लड़े हैं दोस्तों। मुझे ख्याल आया कि इनकी सफाई भी करनी है, इनकी मैंने डैनिश वर्क की कर दी थी सफाई, ये वाला रह गया था ये साफ था, लेकिन इधर तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं दोस्तों। ये तो हमारे बच्चों को मच्छर न लड़के हमारे बच्चे मर जाते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा कीड़े हैं जो हमारी मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। मैं ये देखें, ये आप ये कैसे जा रही हैं, ये हमारी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये जो बाहर गाँव में होती हैं दोस्तों वो यही वगैरह खाती रहती हैं गोबर वगैरह में, तो समझ लें ये गोबर ही है ना दोस्तों जितने कीड़े पैदा हो रहे हैं। वैसे भी तो हम इनके लिए बनाते हैं, ये देखें ये खा रही है, आ 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 आ, बहुत ज़्यादा सुंडियाँ कीड़े पैदा हो रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, आ 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 सारे आ जाओ, आ आ आ आ। तुम ना खाओ, तेरा तुम्हारा पेट पहले फूल है, गुंजाइश है नहीं और खाता जा रहा है, तू रहने दे। ये देखो दोस्तों कितने देखे मच्छर हमारे लड़ने थे ट्रम्पेटर के चिक्स को, आप भी नज़र आ रहे होंगे वीडियो में कितने कीड़े हैं, ये देखो ये मुर्गियाँ कैसे चुग रही हैं हमारी, बहुत बड़ी गलती होगी दोस्तों ये तो गल भी जाती है हमारी, ये जो लोहे की है भाई, तुम ना खाओ यार तुम्हारे पेट पहले फूल है। आ जाओ जिंदा खुराक खा लो भाई, आ जाओ, इसमें इतने कीड़े हैं कि हमारी सारी मुर्गियों के पेट भर जाएंगे। मैं इसको ऐसे थोड़ी सी नीचे से खुरच के थोड़ी सी चेनिंग वगैरह करता हूँ कि जो इसमें जो जो सुंडियाँ कीड़े हैं वो हमारी मुर्गियाँ खा लें।
पर ये मुर्गियों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं ये खाने दे रहा हूँ इनको, बाहर नहीं फेंके मैंने इनको। आज गांव वाला देहात वाला माहौल मिल गया इधर, जो देहातों में दोस्तों गोबर जो बाहर भैंसों के उधर ये चुन चुन के उधर जो बन जाते हैं, ये इसी तरह कबूतरों की बीटों में भी बन गए हैं। अभी माइक में दोस्तों नहीं लेके आया, माइक इंशाल्लाह लेके आना है एक दो दिन के अंदर अंदर वो पैसे इकट्ठे करके। तो फिलहाल आपको ऐसे ही गुजारा करने पड़ेगा, हमारी मुर्गियों की भी आवाज़ें हैं, मेरी भी शोर भी होगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द माइक लेके आएंगे, फिर माइक से बनाएंगे। अगर पहले वाला तो आपको पता ख़राब हो गया मेरा। माशाल्लाह दोस्तों हमारी मुर्गियों ने सारे जो उसमें कीड़े सूंडियाँ वगैरह पैदा हुई हुई थी सारी खा ली। आप देखें कितने शौक से ये खा रही हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा इनको ऐसे छोड़ दिया कि अच्छी तरह अपने पंजे वगैरह मार के ये सफाई कर दें। तो आज तो दोस्तों हमारी मुर्गियों की मौज हो गई है, और हमारे कबूतरों का हमें कोई तो फ़ायदा हुआ ना कि हमें ज़िंदा जो कीड़े थे वो हमारी मुर्गियों को आज मिले, हमें खुद नहीं बनाने पड़े जैसे कि बनाते हैं मुर्गे जो असली लवर होते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे घर में खल बिनोले के साथ चोकर के साथ, तो हमें हरे कबूतरों ने बना के दे दिए। दोस्तों ये काफ़ी मुझसे गलती हुई है, मैंने सफाई नहीं की जिसकी वजह से मच्छर पैदा हुए। भाई तुमने कर दी है सारी सफाई? इसमें अब कुछ थोड़े थोड़े ही हैं, देखिए अभी भी हैं, ये देखिए छोटे छोटे कीड़े आपको ये नज़र सूंडियाँ आ रही होंगी दोस्तों, बड़े बड़े तो इन्होंने सारे चुग लिए हैं, जो छोटी छोटी हैं उनके पीछे हैं। तो बस अब इसकी सफाई करते हैं और इसको बाइश रखते हैं। चलो भाई बहुत खा लिया तुमने कीड़े, चलो शाबाश। नीचे से गल जाती ज़्यादा, देखें आप कितनी गंदी हो रही है, कितने दिन हो गए बस। ओ भाई बस करो, वाइट हीरा को तो दोस्तों जान ही नहीं छोड़ रहे इसकी, चलो बस करो, चलो 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 चलो। ओहो मारा इसने सुल्तान ने, मच्छर उम्मीद है कि इधर कम आएगा दोस्तों। और जो ये चिक्स के दोस्तों इधर ये मच्छर लड़े हैं ना इस जख्म पे, दोस्तों हम लहसुन लगाते हैं, कहते हैं कि लहसुन से ये देखिए वो हो पीछे बहुत ज्यादा वो तो दोस्तों इनको फिर इधर ना जब काट देखा ही नहीं मैंने, आज ही नजर पड़ी है ये उसके ऊपर से उतार के इधर मर जाते दोस्तों हमारे ये वाले चिक्स। तो मैं इधर लहसुन काट के लेके आता हूँ, वो मसलता हूँ, कहते हैं कि उससे ये ठीक हो जाते हैं दोनों के दोस्तों। वो ये देखें कितने ज़्यादा ज़ख्म हो रहे हैं, इधर लहसुन का मसाज करता हूँ इन पर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे और दोबारा भी इसकी लहसुन की स्मेल से मच्छर दोबारा नहीं लड़ेंगे। ये देखिए आप ये जड़ें बनती रहती हैं दोस्तों और ये ख़त्म नहीं होती, ये देखो आए तो ये हमारे चिक्स मर जाते, मच्छर उधर पैदा हो रहे थे, इतना गंद जो हो रहा था, हाँ इतना गंद हो रहा था जिसकी वजह से दोस्तों मच्छर पैदा हो रहे थे। मैं नीचे से भाग के लहसुन लेके आता हूँ, लहसुन ले आया हूँ दोस्तों मैं, इसको साफ करके और ऊपर वाला ये उतार लेना इसका, हमें इतना ही चाहिए था दोस्तों क्योंकि सुबह शाम मैंने इधर इसका मसाज करना है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और छुरी तो नहीं है, मैं नाखून से बीच में से काट लेता हूँ इसको। ये लो आप ये पकड़ो, मैं तब तक केक की करता हूँ तुमको, ठीक है? मच्छर का सीजन है दोस्तों, अपने बर्ड का ख्याल रखें, बस नज़र ही नहीं पड़ी। इंशाल्लाह दोस्तों एक दो दफ़ा हम ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, दोबारा भी मच्छर नहीं लड़ेगा, नहीं तो इसके ऊपर मच्छर लड़ता रहता और ज़ख्म बढ़ता रहता और इनके जो जहाँ ये बीट वगैरह करते हैं दोस्तों वो बंद हो जाती और ये मर जाते दोस्तों, ऐसे बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। चलिए इसको लगा दिया, इसको शाम को भी
अब दूसरे वाले को दोस्तों पकड़, इस वाले को दोस्तों ज्यादा मच्छरों ने काटा हुआ है, बहुत ज्यादा। इसको देख लें, इसके चूंच पे कितने ज्यादा जख्म है। ये देखिए आप, ये खाता कैसे बेचारा। दोस्तों इधर ही मच्छर लड़ते हैं, और दोबारा जहाँ एक दफा लड़ जाए ना, ये देखिए आप, ये देखिए तो इधर ही लड़ता रहता है और जहर फैलता रहता है। और जिसकी, और ये देखिए आप इधर से इनको, ये देखो मच्छर लड़ा इधर। और इसकी तो टांगों पे भी है दोस्तों, ये देखिए इतने जख्म हो रहे हैं दोस्तों, तो नजर ही नहीं। रात एक दो दिन में इन्होंने जख्म कर दिए, कल तो नहीं थी बिल्कुल भी, अपनी नजर नहीं गई। आया था आपको लहसुन दिए थे मैंने, दिखाओ। इंशाल्लाह मच्छर लहसुन की स्मेल से दोबारा दोस्तों नहीं लड़ेगा। और देखो मैंने लहसुन लगा तो दिया है, शाम में फिर लगा दूंगा। जो ये वाला दोस्तों थोड़ा थोड़ा इनको खिला देता हूँ, इसको खिलाने से भी दोस्तों इनको फर्क पड़ जाता है। तो लगा भी दिया कर दूंगा, थोड़ा सा खिला भी दिया करूँगा, मैं हाथ धो लूँ फिर इनको मैं। ये हमारी मुर्गियों को दोस्तों लहसुन बहुत खा है, नहीं ये ना खा। दोस्तों माशाल्लाह लहसुन इनके जख्मों पे जहाँ मच्छर लड़ा लगा भी दिया, और इनको खिला भी दिया, और ट्रे भी साफ कर दी माशाल्लाह। उम्मीद है कि अब मच्छर बहुत कम आएगा इधर, और इनको अगर लड़ेगा तो उसकी लहसुन की स्मेल से जख्म पे दोबारा नहीं लड़ेगा, कहीं और लड़ जाए तो पता नहीं। और कल को दोस्तों हम ये जो हमारा ये वाली है इसकी सफाई करेंगे। तो अब काफ़ी थक गया हूँ दोस्तों सफाई करके, मुर्गों को दाना पानी भी डाला दोस्तों। दुआ कीजिएगा कि दोबारा मच्छर ना लड़े हमारे ड्रम पीटर के मेल बच्चों को, और वो ठीक ठाक रहें, और मैं सफाई भी करता रहूँगा अभी के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बुखारी पेट हाउस को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।